वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की स्लाइड्स। अब ये जो कोर्स है, इस कोर्स के ऊपर मेरी कंप्लीट सीरीज मौजूद है शॉर्ट लेक्चर्स की। ऑलरेडी एक सीरीज अपलोड है और एक नई सीरीज़ भी रिकॉर्ड हो चुकी है जिसको मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त तक नई सीरीज़ भी अपलोड हो चुकी हो। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ब्लॉग से और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो पहला जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है इसका टाइटल, और इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन है बिज़नेस की, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस हैं, फिर इंडस्ट्री है, फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, एंड कॉमर्स है, फिर उसकी टाइप्स हैं कॉमर्स की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक सिस्टम है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, एंड टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, और उसके बाद सॉर्ट एनालिसिस है। ये दूसरा लेक्चर है जिसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड एनवायरमेंट। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, और पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स हैं, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं। ये तीसरा लेक्चर है जिसका टाइटल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके बाद एडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, और डिसएडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, पार्टनरशिप है, और उसकी डेफिनेशन के बाद उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो हैं। लेक्चर फोर है जिसका टाइटल है पार्टनरशिप एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। इसमें डिसएडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के, और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी है, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसके अलावा पार्टनरशिप डीड है, एंड कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड है, और राइट्स ऑफ द पार्टनर्स है। लेक्चर नंबर 5 है जिसका टाइटल है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स हैं, उसके बाद फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसकी डेफिनेशन वगैरह है, और एडवांटेजेस हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के, और डिसएडवांटेजेस भी हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के, एंड द प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लेक्चर नंबर 6 है जिसका टाइटल है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें तमाम वो स्टेजेस मौजूद हैं जो कंपनी बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि पहला प्रमोशन स्टेज है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, और इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, उसके बाद फिर है कलेक्शन ऑफ कैपिटल, और क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। लेक्चर नंबर 7 है जिसका टाइटल है व्हाट इज मीटिंग। इसमें शेयर होल्डर्स मीटिंग है, स्टैट्यूटरी मीटिंग है, और एनुअल जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, शेयर कैपिटल है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है। लेक्चर नंबर 8 इसका टाइटल है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन वगैरह है, और एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और डिसएडवांटेजेस भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप है, हु आर एंटरप्रेन्योर्स,
ये है कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर्स की। लेक्चर 9 है जिसका टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिजनेस प्लान इसके अंदर है, कंपोनेंट्स हैं बिजनेस प्लान के, एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि स्क्रैच से बिल्कुल ज़ीरो से जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो उसका बिजनेस प्लान होता है उसके कंपोनेंट्स हैं। लेक्चर नंबर 10 है जिसका टाइटल है फ्रेंचाइजिंग। इसमें सबसे पहले फ्रेंचाइजिंग की डेफिनेशन वगैरह है एंड पार्टीज टू फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, जो पार्टीज होती हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में वो है, एंड एडवांटेजेस हैं फ्रेंचाइजिंग के, डिसएडवांटेजेस भी हैं फ्रेंचाइजिंग के, न्यू ट्रेंड्स इन द बिजनेस हैं, जो नए ट्रेंड आ रहे हैं बिजनेस के अंदर वो हैं, एंड फैक्टर्स फॉर लोअर फेलियर रेट, यानी कि जो लोअर फेलियर रेट आता है बिजनेस के अंदर उसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं। लेक्चर नंबर 11 है जिसका टाइटल है सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बिजनेस। इसमें कॉजेज ऑफ फेलियर इन बिजनेस हैं, जो भी कॉजेज होते हैं फेल होने की वजह से बिजनेस का, जो मतलब फेल होता है उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, वो कॉजेज ऑफ फेलियर इन बिजनेस एंड रीजंस फॉर सक्सेस इन बिजनेस, बिजनेस सक्सेस होता है तो उसके क्या रीजंस होते हैं, एंड जॉइंट वेंचर है इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, मर्जर है, एक्विजिशन है। लेक्चर नंबर 12 है जिसका टाइटल है फॉरेन ट्रेड एंड बिजनेस, फॉरेन बिजनेस। इसके अंदर इंपोर्ट्स हैं, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इंपोर्टिंग है, एक्सपोर्ट्स हैं, एंड पर कैपिटा इनकम है उसका फार्मूला है, टूल्स फॉर मेजरिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एंड लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। लेक्चर 13 है जिसका टाइटल है बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अंदर बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड हैं, जो भी बैरियर्स आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, एक एक करके वो सारे लिखे हुए और कुछ डिटेल भी है उनकी। उसके अलावा बिजनेस एथिक्स है, इसमें एथिकल बिहेवियर है, एथिकल बिहेवियर कौन सा होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेक्चर 14 है जिसका टाइटल है स्टेक होल्डर्स। इसमें सबसे पहले स्टेक होल्डर्स है कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और वो कौन कौन से लोग हैं, राइट्स ऑफ कस्टमर्स हैं, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिक्स फॉर एडवर्टाइजिंग है, विजल ब्लोअर्स है, मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स है। लेक्चर 15 है जिसका टाइटल है सेटिंग गोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। इसमें मैनेजेरियल स्किल्स हैं, गोल्स की डेफिनेशन है, स्ट्रेटजी की डेफिनेशन है, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल सेटिंग है, मिशन स्टेटमेंट है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ गोल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जिसको HRM कहा जाता है, स्कोप ऑफ HRM है, जॉब एनालिसिस है। लेक्चर नंबर 16 इसका टाइटल है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है और उसी के अंदर सोर्सेज टू फाइंड पीपल है, स्किल्स इन्वेंटरी है और रिप्लेसमेंट चार्ट है, उसके बाद टर्नओवर रेट है, टर्नओवर रेट क्या होता है, रिक्रूटमेंट है, उसके एडवांटेजेस हैं रिक्रूटमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर बाहर से रिक्रूटमेंट की जाए उसके एडवांटेज, और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है,
सोर्सेस टू फाइंड पीपल है, जो लोगों को ढूंढा जाता है, और उसी के अंदर डिफरेंट मेथड्स और ऑर्गेनाइजेशन का दिया है जहाँ से लोगों को ढूंढा जाता है। उसके बाद फिर सिलेक्शन है, जिसके अंदर एप्लीकेशन ब्लैंक है, टेस्ट एंड इंटरव्यू है, टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। लेक्चर नंबर 17 है, जिसका टाइटल है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट है, इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू है, टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यू है, टेक्निकल टेक्निक्स फॉर फाइनल इंटरव्यू है, जिसके अंदर पैटर्न इंटरव्यू, नॉन पैटर्न इंटरव्यू एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ पैटर्न इंटरव्यू है, यानी कि उसके क्या क्या एक तरह से डिसएडवांटेज हो सकते हैं, एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ नॉन पैटर्न इंटरव्यू है, मिक्स इंटरव्यू भी है इसमें, एंड वेज टू कंडक्ट इंटरव्यू है, एंड अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसके अंदर, एंड मेथड्स हैं ट्रेनिंग के, एंड डिफ़िकल्टी इन ऑन जॉब ट्रेनिंग है, एंड मेथड्स फॉर ऑफ जॉब ट्रेनिंग भी है इसमें, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं और रीजंस हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, कंपनसेशन है, इंसेंटिव्स हैं, टाइप्स हैं इंसेंटिव्स के। लेक्चर 18 है, जिसका टाइटल है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। इसके अंदर इंडिविजुअल इंसेंटिव्स हैं, कलेक्टिव इंसेंटिव्स हैं, कंपनसेशन है उसकी डेफिनेशन वगैरह और मतलब क्या है वो। इसके अलावा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, एंड व्हाई डू वी नीड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। कलेक्टिव अफेयर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, मोटिवेशन है और मोटिवेशन की थ्योरीज हैं इसके अंदर, क्लासिकल मोटिवेशन थ्योरी है, फ्रेडरिक टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है, एंड टाइम्स एंड मोशंस स्टडी है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन ऑन फ्रेडरिक टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जो ऑब्जेक्शन हुआ था फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पे, वो है इसके अंदर, और मोटिवेशन के अंदर हॉथन स्टडीज है। लेक्चर नंबर 19 है, जिसका टाइटल है कंटेम्प्रेरी मोटिवेशनल थ्योरीज। इसके अंदर मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स है और मैकग्रेगर की थ्योरी वाई है, एंड उन दोनों का एक कंपैरिजन है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का। उसके बाद है फिर मेज़लो की हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी है और उसकी डिटेल्स भी मौजूद है, एंड यूज़ ऑफ हायरार्की इन मोटिवेशन, जो मेज़लो ने हायरार्की दी है उसका जो यूज़ है मोटिवेशन के अंदर वो किस तरह किया जाए उसकी डिटेल है। लेक्चर नंबर 20 है, इसका टाइटल है टू फैक्टर थ्योरी और हाइजीन थ्योरी। इसके अंदर यूज़ ऑफ हायरार्की इन मोटिवेशन है, एंड क्रिटिसिज्म है मेज़लो ऑन मेज़लोज़ हायरार्की थ्योरी के ऊपर। टू फैक्टर थ्योरी और हाइजीन थ्योरी है इसके अंदर, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है। हाउ कैन इक्विटी थ्योरी बी इम्प्लीमेंटेड, यानी किस तरीके से इक्विटी थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेक्चर नंबर 21 है, जिसका टाइटल है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। इसके अंदर री इन्फोर्समेंट थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन है, जॉब एनरिचमेंट है, और इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, जॉब रीडिज़ाइनिंग है, जॉब शेयरिंग है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है जिसको MBO कहा जाता है, डिफ़िकल्टीज विद MBO है यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑफ MBO है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अंदर लीडर भी है, और इसके बाद लीडरशिप है और डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड मैनेजर, मैनेजर और लीडर के दरमियान जो फ़र्क है वो, पावर्स ऑफ लीडर्स हैं एंड टाइप्स ऑफ लीडर हैं जिसमें ऑटोक्रेटिक लीडर है, डेमोक्रेटिक लीडर है, फ्री रेन लीडर्स हैं, एंड डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप स्टाइल है, कंटिंजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप है। लेक्चर नंबर 22 है, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ मार्केटिंग, ये मार्केटिंग के बारे में है। इसके अंदर मार्केटिंग की काफ़ी डिटेल मौजूद है, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं,
सिस्टम है, प्लानिंग फॉर मार्केटिंग है, प्रोडक्ट क्या होती है ये भी इसके अंदर है, सर्विसेज क्या है एंड मार्केटिंग आइडियाज़ कहाँ अप्लाइड हो सकते हैं। उसके बाद स्टेजेस इन मार्केटिंग है जिसके अंदर प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज है, फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज है, सेल्स ओरिएंटेड स्टेज है, मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज है, सोसाइटल मार्केटिंग स्टेज है, वैल्यू है, यूटिलिटी है, यूटिलिटी की फॉर्म्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपके साथ मैंने स्लाइड शेयर की लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक MGT211 की। ये स्लाइड्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ब्लॉग से और इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।